अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास फरीद और आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर जो है उस पर वेबसाइट कैसे बनानी है। उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें थीम कैसे अपलोड करेंगे और उस थीम को अपलोड डाउनलोड करके अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड करने के बाद उसकी सेटिंग कैसे करेंगे यानी कि कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, उसके बाद जो अपनी वेबसाइट है उसको एडसेंस से लिंक कैसे करना है और उससे पैसे कैसे कमाने हैं, और मेन टॉपिक के ट्रैफिक कहाँ से लानी है और कैसे लानी है, उसकी एसईओ भी इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं कि हम इसमें इसकी एसईओ एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आपकी जो साइट है वो लिंक कैसे होगी एडसेंस में, कि गूगल में आपकी जो वेबसाइट है शो कैसे होगी, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ये देखिए मेरी जो ब्लॉग है यानी कि मेरी वेबसाइट है उसमें देखें कि कितने व्यूज़ हैं, 1281, 1202, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और कैसे व्यूज़ हासिल करने हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉग को जो है थीम डाउनलोड करेंगे। आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिंक में यहाँ पर वो आपको ले आ जाएगा जो कि ये जो है थंबनेल देख रहे हैं आप, इसकी थीम को हम अपलोड करना सीखेंगे कि कैसे करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ से आपने HTTPS से ये वाला हिस्सा आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जाइए और 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, उसमें ये देखिए डिज़ाइन प्लस जो है ब्लॉगर थीम है, इसको हम कस्टमाइजेशन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अपलोड भी करेंगे। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद वो आपको डाउनलोड लिंक पर ले जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके वो फाइल अपने पास कहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। वो फाइल आप विनरार के पास होगी, वो आपने जो है मेरे पास रखा है न्यू फोल्डर में मैं रखा है। ये देखें ऐसी ये वाली फाइल होगी, इसको आपने यहाँ पर आकर एक्सट्रैक्ट हेयर करना होगा। वो करने के बाद यहाँ पर ये चारों फाइलें आपके पास आ जाएंगी। अब चलते हैं blogger.com में। सिंपली आपने blogger.com में जाना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो ठीक है, वरना आपने जीमेल अकाउंट बना लेना है। साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, यहाँ पर ये वाले हिस्से में न्यू ब्लॉग क्रिएट लिखा होगा यहाँ, या यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। तो अगर आपके पास कोई पहले ब्लॉगर बने हैं तो सीधा यहाँ पर न्यू ब्लॉग में क्लिक करेंगे। अब नाम चूज़ करते हैं, नाम आपने ऐसे चूज़ करना है जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं या जिस टॉपिक पर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। हम फर्ज करते हैं कि मैं बना रहा हूँ मोबाइल टेक पर, तो यहाँ पर आपने बड़े हरूफ में बहुत स्टाइलिश नाम लिख लेना है और नीचे भी मोबाइल टेक। ये देखते हैं कि ये ब्लॉग मौजूद है, ये ब्लॉग मौजूद नहीं है तो सिंपली सिफर ये यूज़ कर लेते हैं। नाम आप कोई अच्छा सा रख लेना है, ये ब्लॉग मौजूद है तो हम यहाँ पर सिंपली क्रिएट ब्लॉग करेंगे। नाम आपने बहुत यूनिक लेना है और अच्छा सा लेना है जो कि ज़्यादातर सर्च हो रहा हो, गूगल ट्रेंड में जाके उसको पहले सर्च कर लेना है कि उसकी सर्च रेशो कितनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गूगल ट्रेंड्स, ये आ गया, यहाँ पर आ गए हम, जो चीज़ पोस्ट करनी है यहाँ गूगल ट्रेंड्स में आ सकते हैं कि वो टॉपिक कितना मशहूर है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ मोबाइल टेक, इसको हम सर्च करते हैं, ये देखिएगा कि इसकी रेशो कितनी है,
ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि इसकी रेशो देखें यहाँ से लेकिन वो नीचे आ रहा है, नीचे देखें ये आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ से रिलेटेड भी देख सकते हैं, मोबाइल एयरलाइन राइजिंग यानी कि बहुत ही मशहूर जो उभर रहे हैं मोबाइल टैक्स एक्सपो, सेल फोन रिपेयर नियर मी, ये चीज़ें मशहूर हैं। इस टॉपिक को भी आप ले सकते हैं अपनी वीडियो में या अपने जो है वेबसाइट में इस टॉपिक पर बना सकते हैं। तो यहाँ से पर आपने जो है नाम ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब सीधा आना है ब्लॉग में, यहाँ पर आपने ब्लॉग भी क्रिएट कर लिया। अब थीम कैसे अपलोड करना है, ये जो है स्टेटस, ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको वेबसाइट का स्टेटस मिलेगा कि पेज व्यूज़ कितने आते हैं, यस्टरडे में कितने आते हैं, लास्ट मंथ में कितने थे, टोटल में कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये चीज़ें। यहाँ पर पोस्ट के रिलेटेड आपको लाइक वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक सोर्सेज, मतलब कि किस जो है वेबसाइट से आपको व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर ऑडियंस, मतलब कि क्रोम ब्राउज़र से आपको व्यूज़ आ रहे हैं, या डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस जगह से किस मुल्क से आपको व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मिलेगी। कमेंट्स में आपको कमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर स्पैम मिलेंगे, स्पैम कमेंट्स में, स्पैम में जो होते हैं लिखते हैं कि फॉलो मी ये वगैरह, वो स्पैम में आ जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि एडसेंस को कैसे करना है, ये यहाँ पर अभी तक बटन नहीं है, जब हम सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर साइन अप का बटन भी आ जाएगा। यहाँ पर पेजेस क्रिएट करने हैं, जो हम कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, वो पेजेस हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। लेआउट हम यहाँ पर ब्लॉग की सेटिंग करेंगे। थीम में यहाँ पर HTML से एडिट करके यहाँ सेटिंग करनी है, और थीम भी अपलोड यहाँ से करना है। ये जो बाकी सेटिंग है ये वाली, इसमें हम SEO के रिलेटेड कुछ जो है वो चीज़ें करेंगे, वो मैं आपको जैसे ही ब्लॉग कंप्लीट होगा मैं वो आपको बता दूंगा। चलिए अब थीम को अपलोड करते हैं। दो तरीके हैं, या तो बैकअप एंड रिस्टोर, ये वाला कभी काम नहीं आता, लेकिन HTML वाला जो है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यही वाला जो है करें। तो अब यहाँ पर आपको HTML कोड है, अगर आप अपना HTML कोडिंग जानते हैं तो यहाँ पर अपना खुद से ब्लॉग कर सकते हैं, या आप कोड पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर कोडिंग लेंगे। कोडिंग कैसे लेंगे, यहाँ से पर आकर आपने एडिट पर क्लिक करना है, जो XML है .XML है, यहाँ पर एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल A से सेलेक्ट, या आपने सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल C से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल A से सेलेक्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, ये हमारे वाला ब्लॉग आ गया। इसे हम सिंपली सेव करते हैं। ये हमारा लगभग सेव हो चुका होगा। दोबारा से हम थीम में आते हैं, यहाँ पर देखें हमारा जो ब्लॉग है वो अपलोड हो चुका है। पहले क्या था, अब जो हो गया ये देखें कैसे लुक चेंज हो गई है इसकी। बहुत से यहाँ पर हमारी पोस्टें होंगी, ये इस एरिया में, यहाँ पर सोशल आइकन्स हैं, यहाँ पर टैग्स होंगे, ये ब्लॉग और आर्काइव ये हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये ब्लॉग और आर्काइव हमारे किसी काम का नहीं है, हमारी वेबसाइट की लुक को ख़राब कर रहा है। यहाँ पर पेजेस थीम सपोर्ट्स को हम ख़त्म कर देंगे, सपोर्ट टेक्स्ट विजेट ये वाली चीज़ें हम आपको अब कस्टमाइजेशन करेंगे। यहाँ पर जो है हम लगाएंगे, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा, बाकी चीज़ें आपने खुद करनी होगी, क्योंकि मैं हिंट ही दे सकता हूँ, अगर मैं सब चीज़ें एक एक करके बताऊँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, और फिर यहाँ पर फीचर की जगह पर आप अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और फिर डिस्क्लेमर, ये वाले चीज़ें आपने कर लेनी है, क्योंकि दो दो चीज़ें हैं इससे ख़राब हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। सबसे पहले लेआउट में आ जाइए। लेआउट में जाने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर, पहले से जो है सेटिंग हुई पड़ी है, तो हमें यहाँ पर कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
यह आपको बना बनाया मिल जाएगा, वैसे मिलता नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो जल्दी से जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब एडिट HTML करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे कंट्रोल F, ये सर्च आ गया। तो अब हम देखेंगे कि किस चीज़ को हमने करना है। हम करेंगे DVD को, ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे DVD को सर्च करेंगे, ये इंटर मारा, ये देखें ये चीज़ें आ गई हैं DVD, ये वाली, ये इंटरनेट मार्केट स्टॉक, तो ऊपर चलते हैं, ये देखें ये डाउनलोड्स है। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड्स वाला, ये वाला चेंज इसका करना है, ये वाला चेंज करना है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड्स की जगह जैसे कि लिख देते हैं लाइव, लाइव लिख दिया। अब हम सेव थीम पर करते हैं, वो देखें कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पर आ गया लाइव। तो क्या सीखा आपने इससे कि जैसे कि हम यहाँ पर जो है चेंज करना चाहें, इन नाम्स को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो आप जिसके रिलेटेड बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें लगानी हैं वो आप लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर आ गए पोस्टें भी कर लें, तो यहाँ पर लिंक कैसे करेंगे कि यहाँ DVD पर बंदा क्लिक करे और सीधा उसे DVD के रिलेटेड फाइलें मिल जाएंगी। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ओपन न्यू टैब में कर लेते हैं, ये हमारा ब्लॉग आ गया। यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने बनाना है लेबल, लेबल पर क्लिक कर रहा हम यहाँ पर लिखते हैं DVD, ये हमने लिख दिया, डन, पब्लिश, पब्लिश हो गई। यहाँ पर व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद ये देखें DVD वाला सेक्शन आ गया, ये देखें DVD लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंपली इस लिंक को कॉपी करेंगे हम, कॉपी लिंक किया, दोबारा हम यहाँ HTML में आ गए, और जहाँ पर ये DVD लिखा हुआ है ये देखें हैश लिखा हुआ है, ये वाला हैश लिखा हुआ है, इसको आपने कटा देना है। ये हमने हैश कटा दिया और वहाँ पर लिंक आ गई हमारी। मैं जैसे ही सेव थीम करता हूँ, ये एक बार कर लिया, दो बार, दो से तीन बार आपने सेव कर लेना ताकि सही तरह से वो हो जाए। तो जैसे ही मैं व्यू ब्लॉग पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखें अब मैं जैसे ही DVD पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पुराने वाला था ब्लॉग, ये नए वाला, यहाँ पर मैं आया DVD पर क्लिक किया, देखें इसने मुझे नई वाली लिंक पर जो है भेज दिया। अब यहाँ पर डाउनलोड है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फिर से आ जाए, यही वाला लिंक आपने नीचे वाले डाउनलोड में डालना है जो हमने इस डाउनलोड DVD में डाला था, तो नीचे एक और DVD होगी। तो मैं इस DVD को दोबारा, ये देखिए फिर ये आ गई, ये नीचे वाले, यहाँ पर DVD आ गई है। यहाँ पर फिर से दोबारा मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर से दोबारा सेव थीम पर क्लिक कर देता हूँ, ये सेव थीम हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही आया हूँ, यहाँ पर DVD पर क्लिक करता हूँ,
ये देखें मुझे फिर से वही पर रीडायरेक्ट कर रहा है। इसी तरह से आपने सब जाकर लेबल बनाने हैं, हर किसी का लेबल बना के फिर आपने आके पेस्ट कर देने हैं इसी हैश वाले जो हैश लिखे हैं इनकी जगह पर, चिल्ड्रन, इंटरनेट, ये मार्केट, स्टॉक, और आपने यहाँ पर जो है टेक्स्चर्ड है इसकी जगह चेंज कर देनी है, चाइल्ड केयर या डॉक्टर, वो आपका हेल्थ का है, अगर देना चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल आइकन्स हैं, सोशल प्रोफाइल, ये facebook.com है, तो इसकी जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे सीधा यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फेसबुक, ये फेसबुक यहाँ ले आया मुझे। तो फिर से दोबारा इंटर करते हैं तो हमें ये किसी सोशल आइकन में ले के जाएगा। फेसबुक ये देखें ये वाली जगह, यहाँ पर आप कर आपने जो है अपना लिंक पेस्ट करना है। ये देखें इस जगह पर आपने अपनी फेसबुक का जो लिंक है, पेज है आपके पास या कोई चीज़ है उसका लिंक पेस्ट करना है। उसके आगे ये देखें गूगल प्लस है, यहाँ पर HRF जो लिखा है इसके आगे, यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम की, यहाँ पर गूगल प्लस की, और फिर गूगल यहाँ पर है, इंस्टाग्राम भी हो गया, यहाँ पर वेबसाइट, और ये चीज़ें आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देनी है ताकि जो है आपका वहाँ पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दे आपको फेसबुक पेज पर या आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर। यूट्यूब वगैरह है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ईमेल है, ईमेल में भी आप अपना ईमेल दे सकते हैं। तो बाकी जहाँ जो यहाँ चीज़ें हैं उसको वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। अब हमें क्या करना है कि ये वाले जो चीज़ें हैं कैटेगरी है, होम में जाते हैं, ये ख़त्म करना है हमें, और ये वाला चीज़ इसको कैसे हमने ख़त्म करना है इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो जाना होगा वो कह रहा है गो टू ब्लॉगर एडिट HTML टू फाइंड दिस सेंटेंस एंड नाउ रिप्लेस दिस सेंटेंस। ये तीसरा हिस्सा है वीडियो का, मैं इस तीसरे हिस्सों को भी इसी वीडियो के साथ एक ही वीडियो में इसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो हमें इस हिस्से को चेंज करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है। तो सिंपली यहाँ से ब्लॉगराइज्ड या को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी, बल्कि हमें जस्ट ब्लॉगराइज्ड को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी, क्योंकि हमें एक हिंट चाहिए कि उस जगह पर पहुंचना है जो आपने सर्च किया, वहां पर आके इसे पेस्ट करके इंटर कर देना है। ये देखें ये हमें ले आया है उस जगह पर, दिस इज डिफॉल्ट। इस पर आपने क्या करना है कि अपनी जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन को हम लिखते हैं, इसके हम काट देते हैं, ये सारा का सारा इसे काट देते हैं। टाइटल 2 है, ऊपर भी ये है, हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि मैं अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, दिस इज विकी टेक फॉर यू चैनल, हियर यू कैन फाइंड
अर्निंग ट्रिक्स, ये वाला हिस्सा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम सारा हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। आपने भी ऐसे करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा आना है, इसको यहाँ तक सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देना है। इसे हम काट देते हैं सिंपली। ये भी हो गया कंट्रोल वी से, ये भी पेस्ट हो गया। और इसी तरह यहाँ से भी काट देना है ये वाली और ऊपर वाले जो हिस्से हैं। अब आपने करना क्या है कि इन जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स पर आपने कौन से लिए, आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड में हम देना चाहते हैं डीवीडी, कि डीवीडी में जो हम पोस्टें करें वो इन स्लाइड्स में है डीवीडी की पोस्ट। अब मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से इसे कट कर लूँगा या कॉपी कर लूँगा। आपने क्या करना है, ये जो इंटर स्लाइड लिंक 3 इमेज सोर्स यहाँ पर HTTPS से यहाँ तक जो है, इसको आपने इरेज कर देना है, मतलब के काट देना है। और फिर वही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देनी है जो हमने यहाँ से कॉपी की थी। अब यहाँ देखिए लिंक 4 में आप DVD की जगह कोई और दे दें, जैसे कि ये फीचर्ड, ये वाला इसका लिंक कॉपी करके ये वहाँ पर दे दें। इसी तरह आपने बहुत सारे जो है सेटिंग कर लेंगे। लिंक 5 यहाँ पर टोटल जो है स्लाइड 5 हैं, ठीक है, 5 स्लाइड्स हैं। इनमें आपने 5 स्लाइड्स का कोड जो है वो डालना है। ये जो है देखें स्लाइड 4, इसका लिंक यहाँ पर ले देना है और फिर वहाँ पर जो है यहाँ लिंक देना। इसी तरह सब आपने पूरा कर लेना है। जैसे मैं सेव थीम करता हूँ, वो वाला हिस्सा वहाँ पर चेंज हो चुका होगा जो हमने बनाया था। वो देखते हैं, इसे दो बार सेव थीम कर लेते हैं। मैंने इसके आपको सारी की सारी सेटिंग बता दी है, एक हिंट दे दिया है, बाकी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि अभी भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी तक सेव नहीं हुआ। ये देखें चेंज हो चुका है ये slide 1। दिस इज अ विकी टेक फॉर यू, हियर यू कैन फाइंड अर्निंग ट्रिक्स। ये हो गया। और यहाँ पर जो पोस्ट होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर खाली लेबल दिया है, लेबल में अगर कोई हम पोस्ट या पिक्चर देंगे तो वो यहीं पर ही आएगी और यहीं इसी स्लाइड में भी शो होगी DVD में लेटेस्ट, और ऐसे ही घूमती रहेगी। इसी तरह सब स्लाइड्स का आपने चेंज कर लेना, स्लाइड 4 का नहीं हुआ, स्लाइड 5 भी चेंज कर लेना, स्लाइड 1, 2, ये सब सारी की सारी आपने चीज़ें चेंजिंग कर लेनी है। और यहाँ पर जो है टैग्स वगैरह वो बना लेने हैं। यहाँ पर कैटेगरी आपने गेम्स की अलहदा जो आप इसे चेंज कर दें उसके बना के, लेबल में बना के, फिर वहाँ लिंक कॉपी करके वहाँ पर HTML में जाके पेस्ट करना है, जैसे मैंने पीछे तरीका बताया। इसी तरह सारी सेटिंग करने के बाद सारी जो चीज़ें हैं वो आपके एंड होगी, आपका ब्लॉग तैयार हो गया। अब पोस्टें कैसे करनी है, यहाँ पर पोस्टों में आएंगे। पोस्ट में फर्ज करें हमें DVD की जो मिली है वो करना चाहते हैं हम। DVD को कैसे करेंगे, हम पोस्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। हमने ये कर लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड
आपको वैसे ही फर्ज करूँ, ये आपका हो गया पोस्ट का टाइटल। यहाँ पर आपको पोस्ट लिखनी है, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप इंसर्ट इमेज, इसमें आप इमेज देंगे, चूज फाइल्स, और मैं इसमें से कोई इमेज अपनी सेलेक्ट करके यहाँ पर भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ और यहाँ से हम कोई भी अपनी इमेज यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये मैं ये लोडिंग होगी, ये बीच बीच में लगा सकते हैं। यहाँ पर HTML में आप भी पोस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर ये गूगल ने जो ब्लॉगर बनाएगी जस्ट स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, ताकि स्टूडेंट्स इस पर प्रैक्टिस करें और अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकें। इसके बाद मैं अब कस्टम मेथड जो है .com वाले वो करना बताऊँगा, लेकिन पहले आप इसे ये इंसर्ट होगी, यहाँ पर आप इसे लार्ज कर सकते हैं, ओरिजिनल साइज में भी कर सकते हैं, या जस्ट इसे एक्स्ट्रा लार्ज में, ये ऐसे स्टोर सूटेबल होगी। ये बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब यहाँ पर आपने लेबल सेलेक्ट करना है। हमने DVD का लेबल सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके सारे लेबल्स होंगे जो कि लिंक्ड होंगे। अब मैं करता हूँ पब्लिश, ये हमने पब्लिश कर दिया। ये देखें, हमने अभी तक जो है ब्लॉग की SEO नहीं की, लेकिन फिर भी हमें व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर मैं व्यू करता हूँ, ये देखें, ये ऐसे DVD आ गई, हाउ टू डाउनलोड मूवीज इन मोबाइल आ गया। ये देखें कितना ही बहुत ही अच्छा जो है वो थीम है। ये मेरी पिक्स आ गई, इसे आप शेयर कर सकते हैं Google+ वगैरह में। तो जैसे ही मैं होम पर आता हूँ, क्योंकि हमने DVD का शायद लिंक दिया है, ये हमें नहीं दिया। वहाँ पर आप जैसे लिंक करेंगे DVD के साथ, तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आगे की SEO की वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें हम एडवांस SEO सीखेंगे। वो ऐसी जो टिप्स जो कि किसी ने नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रैफिक भी कहाँ से लानी है।